आज मैं संस्कृत व्याकरण का शेष भाग यानी विभक्ति सूत्र का शेष भाग जो है नवम एवं दसम वर्ग के लिए लेकर उपस्थित हूँ। चतुर्थी विभक्ति में हम लोग आ चुके हैं, पंचमी विभक्ति तक आज पढ़ेंगे, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति कल लास्ट होगी। तो ध्यान दे, अनुवाद बनाने का यह एक ऐसी संचा है जिसके आधार पर हम अनुवाद दुनिया के बना सकते हैं, हिंदी से संस्कृत बना सकते हैं, और इसलिए इसका नियम पूर्ण रूप से हमें मालूम होना चाहिए। तो देखिए, रुचार्था नाम प्रिय माना चतुर्थी, बालक के चतुर्थी आप देखे होइएगा जो है आय होता है बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्याम और पंचमी विभक्ति होती है बालकात बालकाभ्याम ही होता है पंचमी द्विवचन में, और बालकेभ्य ही होता है पंचमी बहुवचन में, अर्थात आपको हमने आय आभ्याम एभ्य पढ़ाया था पीछे की घंटी में। तो आय आभ्याम एभ्य बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य से ही निकाला गया है, आत आभ्याम एभ्य जो है बालकात बालकाभ्याम से ही निकाला गया है। आज इसी दो विभक्ति के आधार पर हम ये अनुवाद बनाएंगे। पाला है रुचार्था नाम प्रिय माना चतुर्थी, रुच माने होता है अच्छा, प्रिय माने भी होता है अच्छा। अच्छा लगने वाले शब्द जहां भी हिंदी में मिले और उसका अनुवाद संस्कृत में बनाना हो तो हम चतुर्थी विभक्ति पर ही बनाते हैं। जैसे अच्छा लगने वाले शब्दों में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है, यथा कहता है जैसे मुझे लड्डू अच्छा लगता है। प्रिय बच्चे, अगर अनुवाद कहीं हो कि मुझे लड्डू अच्छा लगता है, हरि को भक्ति अच्छा लगता है, शिक्षक को पढ़ाई अच्छा लगता है, लड़कों को खेल अच्छा लगता है, तो अच्छा लगने वाला जो भी अनुवाद होगा वो आपको इसी संचा के अनुसार बनेगा। तो हमारा मुझे का संस्कृत होता है मयम, तो मयम लिखेंगे। लड्डू का होता है मोदक, मोदक मोदक में म लगा है द्वितीय विभक्ति, क्योंकि खाने का फल मोदक पर है, क्रिया का मायाम मोदकम रोचते, मुझे का संस्कृत मायाम हो गया, लड्डू का होता है मोदक, आ खाने का काम अच्छा लगने का काम जो है क्रिया का काम जिस पर पड़े वह कर्म होता है द्वितीय विभक्ति में, आम लगता है म लगेगा तो मोदकम अरोचते अच्छा लगना। तो यह जो है ना चतुर्थी विभक्ति पर आपको रुचियामी रुचियाए तो रोच आय नहीं होता सब इसलिए रोचते होता है। नमा स्वस्ति स्वाहा चतुर्थी, ऐसे शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है, जैसे हरि को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, तो हरि को प्रणाम तो हरय आय हराय नहीं होगा, लगा चतुर्थी ये है, हराय कोई शब्द नहीं होता, हर कर राय तो हराय शब्द नहीं होता, इसलिए हरय लिखेंगे, हरय नमा हरि को प्रणाम, गुरुदेवे नमा गुरुदेव को प्रणाम। इस तरह से जो भी होगा नमा स्वस्ति स्वाहा वाला इस आधार पर बनेगा चतुर्थी विभक्ति लेकर। भित्यार्था नाम भय हेतु पंचमी, अब यहां से हम पंचमी में प्रवेश कर गए हैं। तो पंचमी का चलता है आत अभ्याम एभ्य, कहता है भित्यार्था नाम भय हेतु पंचमी, भय लगने वालों में अपने को रक्षा करने वालों में जो भी होगा उसमें पंचमी विभक्ति लगाकर ही बनाते हैं। जैसे वह सांप से डरता है, डरना यानी भय हुआ, तो सांप से डरता है तो वह का संस्कृत
आ पंचमी विभक्ति में से होता है, और इसमें होता है का के की, जो आपको पहले बतलाया जा चुका है। तो से के लिए यहां से का आठ लगेगा, क्योंकि वह एक आदमी है, एक वचन में है, एक वचन में आप होगा। तो सर्पात सांप से विभेति माने डरता है, विभे माने डरना, अस के साथ ती, सर्पात विभेति, वह सांप से डरता है। इस तरह से प्रिय बच्चे वह जो है बाघ से डरता है, तसा व्याघ्रात आप उसमें भी लगेगा, व्याघ्रात विभेति, वह सांप से डरती है। तो डरती स्त्रीलिंग हो गया, इसलिए वह का स्त्रीलिंग में सा हो जाता है, यहां सा सर्पात विभेति, वह सर्प से डरती है। तुल्यार्थे पंचमी, किसी तुलना करने वाले शब्दों में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जब किसी व्यक्ति को किसी में जो है प्रमुख बनाया जाए, श्रेष्ठ बनाया जाए, महान बनाया जाए, तो उसको हम जो है तुल्यार्थे पंचमी, क्योंकि तुलना कर रहे हैं, वे प्रधानाध्यापक है, यानी सब अध्यापकों के, सब अध्यापकों के प्रधान है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, इसी पर बनेगा। बालकों में राम तेज है, इसी पर बनेगा। विद्यार्थियों में गणेश तेज है, इसी पर बनेगा, क्योंकि समूह में, किसी एक समूह में किसी एक को महान बनाया जा रहा है, श्रेष्ठ बनाया जा रहा है। तो श्रेष्ठ बनाने में, सबके तुलना में जब कोई आदमी श्रेष्ठ हो, तो उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। जैसे धन से विद्या श्रेष्ठ है, धन से विद्या श्रेष्ठ है, इससे का संस्कृत आत लगेगा, इसलिए धनात हो गया, धन में आत धनात। तो धन से कौन श्रेष्ठ है, तो विद्या, क्या है, तो श्रेष्ठ, धनात विद्या श्रेष्ठ, धन में विद्या श्रेष्ठ है, धन से विद्या श्रेष्ठ है। उसके बाद में कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कविशु बहुवचन हो जाएगा, कविभ्य कविभ्य यहां से आ जाएगा। अख्यातो प्रयोगे पंचमी, जिस व्यक्ति से कुछ हासिल करे तो नियम पूर्वक करे, जैसे वह गणित पढ़ता है, तो किसी से भी अगर गणित पढ़ोगे, किसी भी सर से पढ़ोगे, तो नियम कायदा के अंदर रहना होगा, टाइम जय बजे होगा, आना होगा, जो उनका होमवर्क होगा बनाना होगा, नियम जिसमें लगा हो, नियम पूर्वक कुछ सीखी जाए, उसमें जो है हम जो है पंचमी विभक्ति ही लगाते हैं। जैसे वह शिक्षक से व्याकरण पढ़ता है, तो सम हो गया वह का शिक्षक से, तो से का फिर यहां आठ लगेगा, तो शिक्षकात अध्यापकात, शिक्षकात न लिखे अध्यापकात भी लिख सकते हैं। व्याकरणम अधीते, वह शिक्षक से व्याकरण पढ़ता है। इस तरह से प्रिय बच्चे आज मैंने चतुर्थी और पंचमी किया, कल हम आपको इसमें खष्टी और सप्तमी करके विभक्ति सूत्र समाप्त करेंगे। और दुनिया के कोई भी अनुवाद हो, इसी पर आप लोग बनाइए, जो न बने वह जो है ना हमें सूचना दे, 99397 18416 पर दे, या नजदीक के हैं तो आकर बतलाए कि यहाँ दिक्कत है, हम आपके दिक्कत को जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो फिर मदद कीजिए, सब्सक्राइब कराइए कराइए, और दूसरों को शेयर कीजिए, और पूरे सीडी को पढ़ा कीजिए, ताकि आपको पूर्ण रूप से जानकारी हासिल हो, और उसमें मैं मदद अधिक से अधिक कर सकूं। जय हिंद।